बहुत स्वागत है। जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के एक जाने माने प्राइवेट स्कूल में उगाई जाती है अफीम। इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं उसी स्कूल के हैं, हम नाम भी बताएंगे। और फिलहाल एसएसपी जम्मू को इसकी कंप्लेन भी चली जा चुकी है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी करवाया जा चुका है कि क्या शिक्षक के मंदिर में अफीम और क्या शिक्षक के केंद्र में जहाँ पर बच्चे शिक्षा लेकर आते हैं और उज्जवल भविष्य की उनके माता पिता कामना करते हैं, और क्या ये उस स्कूल में अफीम उगाना सही है। जनता जो भी समय में देख रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। काफ़ी दिनों से हमें ये शिकायत आ रही थी, एक स्कूल है जम्मू का जाना माना और जाने माने स्कूल में जहाँ पर बच्चे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ाई करने आते और वहीं पर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल गेट के एंट्रेंस में ही ये अफीम की जो खेती की जा रही है। और यहाँ ही नहीं बल्कि आगे भी, आगे अगली साइड पे भी ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये समय जो है खड़े हम यहाँ पर नागबनी किंडर गार्टन स्कूल है यहाँ पर। और ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ महाराजा हरि सिंह जी किंडर गार्टन स्कूल नागमनी, और कहीं ना कहीं हमारे महाराजा जी के नाम से है स्कूल है ये। हम उनकी अमर रहे हमारे महाराजा जी जिनकी देन है ये डुगर प्रदेश। और यहाँ पर ही नहीं बल्कि ऊपर भी अगर हम बताना चाहेंगे आपको और प्रिंसिपल ऑफिस के पास भी वहाँ पर ये बताया जा रहा है वहाँ पर अफीम है। इस समय बताना चाहेंगे कुछ ही देर में एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर जो कंसर्निंग अथॉरिटी होगी वही यहाँ पहुँचेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ। क्या ये सही है, जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ पर एक तरफ हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारे नशा मुक्त हो, हमारा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो, किस तरह से बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए, और वहीं पर स्कूलों में अगर अफीम उगाई जाए, अरे फ्लावर उगाइए, अलग अलग तरह के फूल खिलाइए, खुशबूदार फूल खिलाइए, जिस तरह से ये देखिए गुट्टे के फूल भी लगे हैं। पर अफीम उगाना ये कहाँ तक सही है, स्कूल है यहाँ पर अफीम उगाई जाती है, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर भी ये छोटे छोटे फूल जो हैं ये भी देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर भी, यानी पूरे स्कूल प्रीमिसेस में आपको दिखेगी ये अफीम उगी हुई। और इसका बाकायदा टेस्ट भी करवाया गया जिनके माध्यम से हम तक कंप्लेन पहुँची है, पेरेंट्स के माध्यम तक। पुलिस एसएसपी जम्मू को भी इसकी कंप्लेन जा चुकी है। ये देखिए समय जो बता रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से लगा और इसकी कंप्लेंट जो एसएसपी जम्मू के पास भी पहुँच चुकी है। स्कूल ने कोई नहीं किया, स्कूल का कोई लेना देना ये कोई क्या है बिल्कुल। ये स्कूल ऑफिस देखिए, वो जो स्कूल के जो बोर्ड भी यहाँ पर वो देखिए बिल्कुल स्कूल के प्रेमिसेस में लगी हुई है। ये देखिए स्कूल ऑफिस का वो लिखे है, वो देखिए स्कूल ऑफिस का ये लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ है और बिल्कुल स्कूल ऑफिस में ये जो लगी है ये अफीम है। और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को भी इसकी शिकायत पहुँच चुकी है। कुछ ही देर में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी यहाँ पहुँचती होगी क्योंकि शिकायत के आधार पर भी हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारा काम है वो चीज़ें दिखाना। अब ये भी हम तक जो सूत्र बता रहे हैं कि ऑफिस के सामने, और ये प्रिंसिपल बिल्कुल ऑफिस के सामने है, शायद किसी की नज़र नहीं गई होगी। और देखिए अब ये क्या अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी शायद आएंगे, यहाँ पर एसडीपीओ भी यहाँ पहुँचेंगे, पुलिस के आला अधिकारी पहुँचेंगे। अब इसका जो टेस्ट लिया जाएगा, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वाकई इसका टेस्ट हो चुका है, करवाया है कि हमने अफीम है, और उसके बाद भी ये बिल्कुल यानी प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल सामने, अगर ऐसी स्कूलों में अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, गेट के एंटर करते ही इस तरह के पौधे हैं
ये अफीमी के तो डोडे हैं, देखिए ये जो दिख रहे हैं ये तो अफीमी के ऐसे है, क्योंकि जिन्होंने हम तक कंप्लेन आई है हमारे, उन्होंने टेस्ट करवा के ही एसएसपी जम्मू को कंप्लेन दी हुई है। हम अपने आधार पर नहीं आए और बिना तथ्य के हम भी बात नहीं करते। हमारा कर्तव्य है कि जनता की जहाँ पे ग्रीवेंस हो उनको पब्लिक के सामने भी लाना और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी लाना। ये देखिए ज़रा ये जो ये देखिए ये भी है, ये देखिए क्या स्कूलों में शिक्षा के केंद्रों में ये चीज़ें उगाना सही है। ये देखिए आप जरा बिल्कुल 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 ये स्कूल के अंदर लगे हैं सर, इतनी लापरवाही थोड़ी होती है। ये देखिए आप जरा नर्सरी वालों का क्या कसूर है, जिन्होंने बुलाया होगा लगवाने के लिए, हम बिना घर के कोई नर्सरी वाला थोड़ी घर के अंदर पौधा लगा जाता है। ये देखिए ये जो है, ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं ना, आप नेट से भी निकाल सकते हैं ये देखिए। और ऐसे तथ्य के आधार पर ही हम यहाँ पर आए हैं, पर ये जम्मू का जाना माना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, दुमाना में है ये। और यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं एक तरफ से ज़रूर कहेंगे, एक तरफ से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जा रही है, बच्चों से, माता पिता से, अभिभावकों से पैसा उठा जा रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें होना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हम जो आए हैं, हमारे पास एसएसपी सर को जो कंप्लेंट दी गई उसकी कॉपी भी पड़ी हुई है हमारे पास, और इसीलिए हम आए कि अगर स्कूल वाले अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिफिकेशन भी रखना चाहती है कि अगर ये पौधे आए तो आए कैसे कैसे लगे यहाँ पर ये पौधे, ये तो फिलहाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है। जनता जो है अपनी राय ज़रूर रखेगा, क्या बच्चों को जिसके शिक्षा के केंद्र में हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं क्या उस शिक्षा के केंद्र में इस तरह की चीज़ों को उगाना सही है। ये दुमाना में समय आए हैं, और ये शुरू में भी हमने बताया कौन सा स्कूल है, ये स्कूल है दुमाना नागबनी स्कूल, महाराजा हरि सिंह नागबनी स्कूल है ये दुमाना, और जहाँ के हम आपको लाइव दृश्य समय बता रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो कंप्लेंट है एसएसपी जम्मू को भी चली गई है, तो एक दो पेड़ हो तो गलती से लग जाए, चलिए अगर मानते हैं कि गलती से एक दो पेड़ लग जाएगा, यहाँ तो पूरा बगीचा तैयार किया गया है अलग अलग जगहों पर, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी। और इन चीज़ों पर ऐसे अगर क्या लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो तथ्य है उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए हैं। पेरेंट्स ने हमें शिकायत की थी कि इस तरह से यहाँ पे, जो कई पेरेंट्स की शिकायतों के आधार पर हम यहाँ पर पहुँचे, और इसकी कंप्लेन बिना तथ्य के एसएसपी जम्मू को कंप्लेन तो जाएगी नहीं, बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी कंप्लेन नहीं देगा, क्योंकि कल को पता उन्हें जवाब दी होगी। तो अगर एसएसपी जम्मू को इसकी कंप्लेन गई है तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप। और ये अफीम के पौधे जो दिख रहे हैं आपको, अफीम वो भी स्कूल प्रीमिसेस में, बड़े अफसोस की बात है इतने बड़े स्कूल में जिसका नाम कहीं ना कहीं हमारे महाराजा जी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें उगाना, ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आखिर और हमने दिखाया आपको शुरू से गेट के एंट्रेंस में, और यहाँ पर भी जो बीच में पेड़ लगे हों अफीम की, यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं, आखिर क्या मकसद है अफीम के पौधों को लगाने का, ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। अफीम के पौधे आखिर लगाए क्यों, क्या मकसद है यहाँ पे स्कूल प्रीमिसेस में लगाने का, जहाँ एक तरफ हम अपने बच्चों को नशों से दूर रख रहे हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रख रहे हैं, और वहीं शिक्षा के केंद्रों में इस तरह की चीज़ें उगाई जाएँ, एक गहन जाँच का विषय है, गहन चिंता का विषय है। इतना बड़ा स्कूल, तो क्या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई थी, उन्हें पता नहीं ये चीज़ें क्यों लगाना, कि वो भी जहाँ पर, जहाँ का उनके भविष्य तय किया जाता हो। जनता जो भी हमें देख रही है समय, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये एलजी मनोज सिन्हा जी तक भी वीडियो पहुँचना चाहिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए।
और जनता अपनी राय जरूर रखिए। बड़े बड़े स्कूलों में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पर माता पिता ना जाने किस तरह से यानी ये कहेंगे अपनी मेहनत की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में इस तरह के प्राइवेट स्कूल जो नामी गिरामी स्कूल हो, और वाकई ये स्कूल बड़ा है क्योंकि हमारे महाराजा हरि सिंह जी का नाम इस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, महाराजा हरि सिंह किंडरगार्टन। यहाँ पे पहुँचे हुए हम दुमाना में और यहाँ के दृश्य हमने आपको आपके सामने दिखाए, और इसकी जो कंप्लेन है SSP जम्मू तक भी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर और देखिए छोटे छोटे बच्चे किंडरगार्टन स्कूल कौन किसके लिए होता है, बच्चों के लिए देखिए, और ये दुमाना नागमनी के अंदर ही है, ये है महाराजा हरि सिंह जी किंडरगार्टन स्कूल दुमाना नागमनी, ये आप देख रहे हैं। और बिल्कुल इसके एंट्रेंस में अफीम के जो पौधे हैं लगाए गए हैं, ये देखिए ये गेट के एंट्रेंस में, देखिए ये स्कूल है, ये नागमनी स्कूल है, और नागमनी स्कूल के बिल्कुल एंट्रेंस में यानी जहाँ पर हम अंदर आते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, सबसे बड़ी बात है एंट्रेंस में, देखिए ये नागमनी स्कूल का एंट्रेंस है, किंडरगार्टन स्कूल सामने है। एक दो तो हम कहेंगे माली की गलती है, यानी अब माली के ऊपर आप बात डाल रहे हैं सारी। ये देखिए ज़रा पूरी की पूरा बगीचा तैयार किया हुआ है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए बगीचा तैयार किया, यानी कि जम्मू के नागमनी स्कूल में अफीम की होती है खेती। ये देखिए छोटे से खेत बनाया हुआ है, और प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल बाहर भी, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भी। क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका जवाब है कि जम्मू के बड़ी खबर जम्मू के दुमाना से आ रही, जहां पर नागमनी स्कूल में खेती की जाती है अफीम की। ये देखिए ये पूरे सबूतों के साथ SSP जम्मू को भी इसकी कंप्लेन गई है, आप पूछताछ इनसे चल रही है। ये देखिए और किसी को कानों कान खबर नहीं जनाब, एक दिन सच सामने आकर ही रहता है। वो भी प्राइवेट स्कूल्स में, और वो भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह की चीज़ें होना, इस तरह की ये कारस्तानी होना क्या सही है। ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू के जाने माने एक बड़े प्राइवेट स्कूल में होती है अफीम की खेती। बिल्कुल जनता अपनी राय भी रखिएगा और इस वीडियो को जैसे शेयर भी कीजिएगा। और देखिए ये गाड़ी जो है पुलिस की यहाँ पहुँची है, पुलिस की गाड़ी पहुँच चुकी है यहाँ पर, और हम भी ऐसे नहीं यहाँ पर आए हैं, पूरे सबूतों के साथ आए हैं। जो भी सत्य होगा आपके सामने हम लाएंगे, पूरे सबूतों के साथ बताएंगे क्या सच है क्या नहीं है। पर ये जम्मू का एक जाना माना प्राइवेट स्कूल नागमनी स्कूल दुमाना में, जहाँ पर उगाई जाती है ये अफीम की खेती। इस समय के दृश्य, आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी कार्रवाई होगी, चलिए इनसे। और अभी देखा स्कूल में कुछ खड़े थे लोग, कह रहे थे कि हम देखेंगे माली ने लगाया होगा। अरे माली किसी के घर में, ऐसे हमारे घर में माली आता पूछता ये वाला पौधा लगाना, ये नहीं बोला। चलिए एक आध माली ने गलती से लगा दिया, पूरा बगीचा तैयार किया हुआ है, ये किसके लिए तैयार किया है, आखिर क्यों हो, क्या है इसके पीछे का राज है, कारण क्या है कि स्कूल के प्रीमिसेस में और बिल्कुल अफीम जैसी चीज यहाँ पर उगाई जाती है, वो भी प्राइवेट स्कूलों पर, जिस पर ऑलरेडी लोग भड़के हुए हैं, लोग कह रहे हैं यहाँ पर लूट मचाई जा रही है, क्या कारण यही तो नहीं गई। और दुमाना जो स्कूल है महाराजा हरि सिंह नागमनी स्कूल जो है गेट के अंदर एंट्रेंस करते ही आपको मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सौगात रखी हुई है, वहां पर अफीम उगाई जा रही है।
ये समय की बड़ी खबर है। जम्मू से प्राइवेट स्कूल के परिसर में उगाई जाती है अफीम, और जो भी समय में जनता देख रही है इस वीडियो को ज़्यादा 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 से शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल को हो सकता है कि इस तरह से और भी स्कूल उगाना शुरू कर दे कि कौन, उनको पता है कौन देखेगा कि किसे शक होगा। पर यह अफीम उगाने का क्या मतलब है स्कूल के प्रीमिसेस में, ये हम भी नहीं जानते। पर जो भी अगली कार्रवाई होगी फिर से लाइव आकर आपको सारा बताएंगे। फिलहाल जनता अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी शिकायत SSP जम्मू तक भी पहुंच चुकी है और इसका पेरेंट्स ने टेस्ट भी करवा दिया है कि यह अफीम ही है, तभी हम उस आधार पर यहाँ पर आए हैं। बिना तथ्य के हम नहीं आते। पर अफीम उगाने का एक प्राइवेट स्कूल में, वो भी नामी गिरामी हमारे राजाओं के नाम से जुड़ा हो स्कूल, उसमें क्या प्रिंसिपल का क्या मोटिव था इस अफीम को उगाने का, ये हम भी नहीं जानते। ये पूछताछ के बाद ही पता चलेगा आखिर क्या उनकी मानसिकता थी कि स्कूल प्रीमिसेस ने एक नहीं पूरा बगीचा अफीम का इन्होंने यहाँ पर बना कर रख दिया, और यहाँ नहीं एंट्रेंस में नहीं बल्कि अपने ऑफिस के बिल्कुल बाहर भी। चलिए जनता अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।